तो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम मौजूद हैं वैष्णो देवी में और वैष्णो देवी में हम आज आपको खिलाने वाले हैं देसी घी के तड़के वाले राजमा चावल। और इसके अलावा हम आपको भोजनालय के राजमा चावल का भी स्वाद चखाएंगे। भाई अगर आप राजमा चावल के फैन हैं ना, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। तो हम आपको लेके जा रहे हैं जी मनोरंजन ढाबा। मैं बहुत सालों से यहीं पर आके अपना लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ करता हूँ, और इनके जो राजमा चावल है ना, मक्खन वाले, वो बड़े ही स्वाद है। आइए चलते हैं और आपको उसका स्वाद चखाते हैं। लेकिन हमारी जो फेवरेट जगह है हमारी पूरी फैमिली की, जब भी हम वैष्णो देवी आते हैं तो हम आते हैं जी मनोरंजन, और मनोरंजन में आके हम खाते हैं जी मक्खन वाले राजमा चावल। ये तो भैया हमारे लिस्ट में होता ही होता है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको पालक पनीर, मटर पनीर, आलू गोभी, प्लेन चना, चना मसाला, आलू मटर, दाल मखनी, दाल फ्राई, दाल तुअर, राजमा फ्राइड विद पनीर, करी पकौड़ा, बैंगन भरता, मिक्स वेज भी मिलता है। तो ये सारी सब्जियाँ भी आपको मिलती है और बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है। और इनका लंच बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। लंच तो लाजवाब है ही है, लेकिन बहुत प्यार से आपको खिलाते भी हैं, किस तरीके से वो आपने अभी देखा। तो भाई हम भी खाते हैं मक्खन वाले राजमा चावल, लेकिन अगर प्यार थोड़ा कम पड़ जाए ना, तो ऊपर से डालते हैं देसी घी। आपने देखा कैसे राजमा चावल इन्जॉय करते हैं। राजमा चावल जो है वो आपको यहाँ पे मक्खन में अगर आप फ्राई कराएंगे तो आपको 150 के अंदर, हमने ये दो प्लेट ली है, तो हमने एक प्लेट को 1/2 कराया और 150 रुपये में हमारा जो लंच है वो आराम से बढ़िया हो जाएगा। राजमा चावल मिल जाए और क्या चाहिए, हम अपना लंच करते हैं। इन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया, तो आपको इनके रिएक्शन से पता चल रहा होगा कितना बढ़िया इनका खाना है। और पापा पिछले 40 साल से मनोरंजन ही लेके हमें आते हैं, बहुत ही लाजवाब है, सेम टेस्ट है, कुछ नहीं बदला। और सबसे बढ़िया बात है कि इसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता, तो सैलेड के तौर पे भी आपको ये मूली सर्व की जाती है। और वैष्णो देवी में जब भी आप हो, किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी ढाबे में आपको प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं होते दिखेगा। लेकिन यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का एक भोजनालय होता है जो बड़े सालों से आज भी है, और इनके राजमा चावल, कढ़ी चावल ना बड़े ही अमेजिंग होते हैं। तो भाई आइए नॉस्टैल्जिया को क्रिएट करते हैं, हम भी खाते हैं राजमा चावल और आपको भी खिलाते हैं, आ जाओ मेरे साथ। और जी तो हमने लिए हैं भोजनालय से राजमा चावल, लंच का टाइम है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अर्थ कुंवारी में हमने भोजनालय से राजमा चावल लिया है, और ये गवर्नमेंट का ही जो है वो भोजनालय है। बहुत सारे ऑप्शन है, राजमा चावल, कढ़ी चावल, दाल चावल, और साउथ इंडियन के भी ऑप्शन मिलते हैं, सांभर वड़ा भी है। और आप सिर्फ चाय पी के और फ्रूट बन खा के आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। तो आइए हम खाते हैं राजमा चावल, जो कि मैं पिछले 20-25 सालों से खा रहा हूँ। जब भी मैं वैष्णो देवी आता हूँ, भोजनालय के राजमा चावल ज़रूर खाता हूँ। एंड आई एम श्योर अगर आप भी वैष्णो देवी आए हैं तो आपने भी भोजनालय से कुछ ना कुछ ज़रूर खाया होगा। देखिए जो इसमें मसाले हैं वो बिल्कुल लाइट है, और जो स्वाद है ना बिल्कुल वैसा है जैसे कि हम इतने सारे सालों से खाते हुए आए हैं। एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट हो जाता है यार यहाँ पे आके भोजनालय से राजमा चावल की प्लेट खा के, और सिर्फ 40 रुपए के अगर अंदर इतना बढ़िया लंच हो जाए, और वो भी राजमा चावल का, और क्या चाहिए, बहुत बढ़िया।